कासनी के बहुत सारे औषधीय गुण और लाभ हैं। कासनी पोषक तत्वों से भरपूर जड़ी बूटी है। यह जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, लोह, फोलिक एसिड और पोटेशियम के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के जैसे विटामिन्स और खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है कासनी। जी हाँ, कासनी हमारे पाचन तंत्र को सबसे पहले तो मजबूत बनाती है। कासनी पाचन तंत्र को मजबूत करने की एक बेस्ट औषधि है। इसमें इन्यूलिन होता है जो शक्तिशाली प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक पाचन तंत्र में शरीर के लिए लाभदायक प्रीबायोटिक बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। इन्यूलिन सक्रिय रूप से एसिडिटी कम करता है, इसलिए इसका उपयोग एसिड रिफ्लक्स, अपच और सीने की जलन सहित कई आंतों और पाचन से जुड़ी दिक्कतों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है। जी हाँ, इन्यूलिन न केवल पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम करता है। मुख्य तौर पर हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, क्योंकि यह रक्त के प्रवाह को रोक देता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि अभी कासनी के हृदय संबंधी परेशानियों को कम करने की क्षमता के बारे में विभिन्न किस्म के शोध जारी हैं। गौरतलब है कि कासनी से बनी कॉफी से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की आशंका को कम किया जा सकता है। जी हाँ, इसके अलावा ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी हमें बचा करके रखती है। कुछ अनुसंधान में कासनी के अर्क को विभिन्न प्रकार के कैंसर का ट्यूमर कम करने में कारगर पाया गया है। इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा कासनी में पाए जाने वाले फ्रक्टन के कारण होता है, जिसमें ट्यूमर रोधी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से यह ऐसा कर पाता है। कासनी में मौजूद पॉलीफिनॉल और फाइटोकेमिकल भी स्तन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाव करने में मदद करता है। इसके अलावा कैसे करेंगे उपयोग, तो गठिया रोग में ये लाभकारी है जानते हैं। विभिन्न अनुसंधान और क्लिनिकल परीक्षण में पाया गया है कि कासनी में पाए जाने वाले जलन सूजन कम करने वाले गुणों के कारण यह गठिया और विशेष तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार में उपयोगी होता है। साल 2010 में जारी किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कासनी का सेवन करने वाले 70% व्यक्तियों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में बहुत कमी पाई गई। जी हाँ, इसका इस्तेमाल सामान्य दर्द, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द सूजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चूहों पर किए गए 12 शोधों के अनुसार कासनी कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के साथ साथ पूरे शरीर में अस्थि खनिज घनत्व को बढ़ा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा कासनी से आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी हाँ, कासनी ओलिगो फ्रुक्टोज का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ इन्यूलिन अपने आप में ही फाइबर का एक रूप है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। कासनी घ्रेलिन की मात्रा कम करके बार बार खाने की तलब कम करता है। पेट भरा भरा सा लगता है, जिससे आपका वजन कम होता है। इसके अलावा ये कब्ज को दूर करती है। प्राकृतिक फाइबर के रूप में इन्यूलिन बहुत लाभकारी होता है। कासनी में मौजूद इन्यूलिन कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है, खास करके बुजुर्गों के लिए। फाइबर आंतों की सक्रियता बढ़ाने और आमाशय की फैलने और सिकुड़ने की गति बढ़ाने में आमाशय रस के स्त्राव में मदद करता है। इसका अर्थ है कि यह पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है और कब्ज दूर करता है, जिससे पेट और कोलन कैंसर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है। इसके अलावा कासनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जी हाँ, कासनी से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रखने में भी मदद मिलती है। इसमें कई बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं, जिनसे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। कासनी में पॉलीफिनोलिक यौगिक और फाइटोकेमिकल भी होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह रक्त प्रवाह से मुक्त कणों को बाहर निकाल करके दिल की बीमारियों और कैंसर सहित कई रोगों से बचाव करते हैं। इसके अलावा यह तनाव को दूर करता है। जी हाँ, कासनी में मन को शांत करने वाले गुण होते हैं, जिनसे चिंता कम होती है। इससे शरीर को तनाव और इसके खतरनाक प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है। कासनी अनिद्रा दूर करने में भी उपयोगी है। यह बाजार में उपलब्ध नींद की गोलियों से कहीं
कहीं बेहतर विकल्प है। इसके सेवन से तनाव और चिंता से राहत मिलती है, जिससे दिल की बीमारी, हार्मोन का असंतुलन, अनिद्रा और समय से पहले उभरे हुए बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमारी किडनी को सुरक्षित रखती है। जी हाँ, कासनी की जड़ के अर्क का अगर आप उपयोग करेंगे तो अक्सर मूत्रवर्धक के तौर पर ये उपयोग किया जाता है बहुत लाभकारी औषधि के रूप में पहले से ही। सामान्य रूप से पेशाब आने से लीवर और किडनी में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को जमा होने से रोकता है, ताकि विभिन्न किस्म की बीमारियों से आपका बचाव हो सके। लेकिन कुछ एक स्थितियां ऐसी होती हैं जबकि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं उन स्थितियों को, गर्भवती महिलाओं को कासनी का उपयोग करने से बचने की सलाह है। इसके अधिक सेवन से गर्भपात की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी कासनी का अधिक मात्रा में सेवन नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को और जो माताएं स्तनपान करा रही हों, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके सेवन से बचना चाहिए। साथ ही साथ इसके ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप हर रोज भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए गुणकारी औषधि है और इन बीमारियों को दूर करने में उपयोगी है, जो हमने आपको अभी इस एपिसोड के माध्यम से बताई। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो के अंत तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।